तो ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और यहाँ पर हमारी चाय पार्टी हो रही है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल एक्सट्रीमली वेल। गुड मॉर्निंग इसलिए कि सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी फिलहाल मैं हूँ नेवासा फाटा, जो कि औरंगाबाद रोड पर आता है, हाईवे है। और ये देखो रॉकी भी उठ गया। तो बस अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ से ना, मतलब औरंगाबाद टू मुंबई अभी निकले हैं और देखते हैं आज का जर्नी कैसे होगा। आज का मोटर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने चाय नाश्ता कर ली है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो फटाफट अभी रेडी वगैरह हो गए हैं, बस अभी बाल वगैरह बना के थोड़ा सा ना टचअप करके अपन निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। ओके, तो ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और यहाँ पर हमारी चाय पार्टी हो रही है। वैसे मैं अभी ना अहमदनगर हाईवे पर पहुँच गई हूँ और यहाँ से अभी हम लोग को नगर तारकपुर जाना है और पता नहीं कितना देर लगेगा। अभी मैप पर देखूँगी मैं, आवाज़ भी आ रही है कि नहीं पता नहीं। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजने को आए, हाँ 6 बजने को आए, जल्दी पहुंच गए हम लोग फटाफट। और अभी आगे निकलते चाय पीते, बस कैमरा वगैरह सेटअप करके निकलती रेडी हो गई। और ये भाई के यहाँ पर ना हमने अभी चाय पी है और अभी बस इतनी कितनी लाम है तारकपुर, 15-20 किलोमीटर लगभग है। मैं मैप लगा लेती हूँ और फिर निकलते यहाँ से, बस स्ट्रेट ही जाना है अपने को, फटाफट निकल जाएंगे अभी, नहीं तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा। ये तो ऐसे कुछ अवतार हो गया है, फेस एकदम ना सूज गया ऐसे लग रहा है, एकदम हेलमेट से ना। और काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम लोग, मतलब ठीक ही टाइम पे ही पहुंच गए, लेट नहीं हुआ। और ये अभी मैंने मिसल मंगाया है और अभी फटाफट खाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके थोड़ा सा ना रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट और फिर यहाँ से निकलेंगे। लगभग आधा घंटा लगेगा शायद से, अभी तो 10:10 हुए, देखते कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो मार्शेस घाट के ना टॉप व्यू कुछ ऐसा है, मैंने मेरे एक ना व्लॉग में भी दिखाया था पहले भी, रेनी सीजन में तो बाप रे इतना ज़बरदस्त और भयंकर सीन रहता ना यहाँ पर, मतलब अच्छा भी लगता और डरावना भी होता। और यहाँ पर ना अब मैगी स्टॉल है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती है। हम लोग तो पेट पूजा करके आए तो अभी भूख नहीं है, अभी यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। कितना मस्त लोकेशन है देखो ना, बहुत मस्त है, यहाँ पर सुकून से ना काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। और अभी अपने को निकलना है। ओके, तो अभी अपना फोटो वीडियो सब हो गया है, बस निकलते हैं यहाँ से। ये टनल है यहाँ का एकदम टॉप वाला और इसमें से देखो निकल, टनल में से निकलने में ना एक अलग ही मज़ा, बहुत मस्त लगता है एकदम। यहाँ पे आगे थोड़ा सा पैच खराब है, यार इतना अच्छा लगता ना यहाँ पे, बहुत अच्छा है सच्ची। मार्शेस में हम लोग बहुत बचपन से आते हैं और बहुत मस्त लगता है, खास करके ना बारिश के सीजन में। कितना बड़ा खड्डा था लागला मम्मी, ये जो पानी गिर रहा है ना यहाँ पर ही बारिश में ना, वो आइकॉनिक वाटरफॉल बोलते हैं ना, वो है मार्शेस घाट का। यहाँ से इतना जोर से पानी गिरता ना और जब उसके बीच में से बस जाती है ना वो लाल वाली, मस्त लगता एकदम। ये देखो व्यू, तो अभी लगभग 1 बजने वाले हैं और मुझे इतनी गंदी वाली नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो अभी बस रुके रास्ते में, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मुंह पे पानी मारा
और अभी पानी मंगाया मम्मी को, यहाँ पर एक डॉगी है तो बस उसको ना सोच रही हूँ मतलब बिस्किट खिला दूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है वज्रेश्वरी, लगाया मैंने मैप पर, और अभी डायरेक्ट वज्रेश्वरी जाएंगे। सरल गाँव है, उस रास्ते से जाएंगे डायरेक्ट वज्रेश्वरी और फिर वहाँ से आगे पता है मुझे। हेलो। हाँ बोल। आम्ही आता ना वज्रेश्वरी रोडला लागतो आहेत, शहापूरला पोहोचलं जाता, अजून लागलो नाहीत वज्रेश्वरी रोडला, शहापूरला पोहोचलं। अच्छा, ठीक आहे। अजून 1-1.5 तास लागेल ना याला म्हणून? 1.5 तास वज्रेश्वरीला। हाँ ठीक आहे ये सांभाळून घ्या। त्यासाठी काय खाल्लं का? हाँ तेच खाल्लं होतं ना माळशेजला, मग परत नाही खाल्लं। नाही आता आम्ही डायरेक्ट घरी आल्यावरतीच खातो, बनवून ठेव आमच्यासाठी। अभी ऐसी कुछ हालत हो गई है मेरी, गला भी बैठ गया एकदम, आवाज भी निकल रही, और अभी बज रहे 1:30 बज रहे दोपहर के, और हम लोग अभी ना सरल गांव से सीधा रास्ता पकड़ के ना आ गए शाहपुर रोड पर, और यहाँ से वज्रेश्वरी लगभग 1.25 घंटा है, 61 किलोमीटर बता रहा है। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मेरी आँखें ही नहीं खुल रही, एकदम आँखें ऐसी बंद हो रही है ना, आँखें खुल ही नहीं रही है मुझे, रोड पे ना ऐसे झपकी आ रही है, तो फिर साइड में यहाँ पे रुक के सोच रही यहीं पे थोड़ा बैठे आराम से और फिर बैठ के फिर थोड़ा निकलते। अभी ऑलमोस्ट 2:35 हो गया है और अभी हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, धूप बढ़ गई है एकदम और थक गए बहुत ज़्यादा। अच्छा 10,000। 4 बज गए और मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई, देख भी नहीं रही। मम्मी मम्मी थक गई बहुत ज़्यादा थक गई है मम्मी और मेरी भी हालत ख़राब हो गई है अभी, और सिर्फ मेरे घर के लिए ना सिर्फ 42 किलोमीटर बाकी है। ऑलमोस्ट साढ़े चार बज गए और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे ये बस स्टॉप पर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है इसलिए यहीं पे बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। हाँ बस थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट किया। अभी सिर्फ 42 किलोमीटर है बट रास्ता ख़राब होने की वजह से ना 1.5 घंटा दिखा रहा है अभी। चलो चलते। मॉर्निंग में कुछ लगा नहीं, अभी ना एकदम गर्मी की वजह से और एकदम कैसे तो भी लग रहा है अभी, तबीयत ठीक नहीं लग रही मम्मी को भी और मेरी को भी। बस अभी फटाफट रास्ता खत्म करना और पहुंचना है बस अपने घर पे, एक बार घर पे पहुंच गए ना बस। एग्जैक्ट 7 और जस्ट अभी हम लोग पहुंचे हैं बिल्डिंग में और अभी मैं ऊपर जाऊंगी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ एक्चुअली। मम्मी ना सब्जी लेने के लिए रुक गई ना वहीं पर, लेट हो गया बहुत ज़्यादा और उसके वजह से ना बहुत गंदा ट्रैफिक था और कैमरा का भी ना बैटरी लो हो गया था, तो मेरा भी बैटरी लो हो गया तो फटाफट बस निकल के आ गए हम लोग। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखा समय।